हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 12। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 वेयर वी विल ट्राई टू डिस्कस द फुल सिलेबस एज वेल एज द पेपर पैटर्न एज वेल एज वी विल ऑल्सो ट्राई टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर करिकुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो इंट्रोडक्टरी के बारे में बात करूं तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात करूं तो मैं पहले उसके पहले बताना चाहता हूं, आप क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस कई टाइप के होते थे हम पढ़े थे, जैसे कि कंपनी, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरी से बिजनेस, ये सब आपको याद होगा। तो हम लोग सीखे थे कि बिजनेस मेनली बताया तो तीन पार्ट का होता है, तीन टाइप का बिजनेस होता है। या तो वो सोल प्रोप्राइटरी से बिजनेस होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा होगा, या फिर किसी और के साथ पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा होगा, या फिर कोई कंपनी खोल के बैठा होगा। तो बिजनेस को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़े थे बीएसटी में। तो अपना जो सिलेबस भी है, अकाउंट्स का भी जो सिलेबस है, वो उसी के हिसाब से बनाया गया है। आपको ये पता होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी हो, तीनों का तीनों अपना अपना अकाउंट जरूर मेंटेन करता होगा। तो हम लोग जो क्लास 11 में जो पढ़े थे, जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स थे, चाहे वो जनरल एंट्री हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग पढ़े थे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग पढ़े थे। मतलब क्लास 11 में जितने भी अकाउंटिंग सीखा गया था वो सारा का सारा किसका था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सीखा गया था। मतलब एक अकेला आदमी यदि बिजनेस करता हो तो अपने अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेगा, अपना वो फाइनल अकाउंट कैसे बनाएगा, कैसे उसको ये पता चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कैसे उसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगेगा, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। अब जो क्लास 12 का जो सिलेबस बनाया गया है, वो आपके सिलेबस जो बनाया गया है वो दो अदर जो बिजनेस बच गए, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। पार्टनरशिप फर्म अपना अकाउंट कैसे बनाता है वो सीखने वाले हम लोग यहाँ पे क्लास 12 में, और कंपनी अपना अकाउंट कैसे अपना अकाउंट रिकॉर्ड करता है उसको सीखने वाले भी हम लोग क्लास 12 में। हालांकि आपको पता है कि अकाउंटेंसी जो सबसे ज्यादा होता होगा वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ कंपनी में होता होगा, मतलब क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन का भी जो वॉल्यूम होगा बहुत ज्यादा होगा इन कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपेयर में क्योंकि उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता होगा तो अकाउंटेंसी भी ज्यादा मेंटेन हुआ होता होगा इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी का पूरा अकाउंट्स तो अपने हम लोग सीए फाइनल तक पढ़ेंगे। यदि आपको फ्यूचर में यदि सीए या फिर सीएमए करने का मन है तो आप फ्यूचर में आप सीए फाइनल तक आप कंपनी का ही अकाउंटिंग सीखोगे कि कंपनी अल्टीमेटली बैलेंस शीट कैसे बनाती है, कंसोलिडेट कैसा होता है, ये सब हम लोग क्लास 12 मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। बट क्लास 12 में कंपनी से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ अकाउंटिंग जो है वो हम लोगों का क्लास 12 में के सिलेबस में है। तो जितना हम लोगों का है पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पूरे के पूरे क्लास 12 के सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज अ पार्टनरशिप का बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग, और सेकंड पार्ट इज द कंपनी का अकाउंटिंग। पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग के बारे में बात करूं मैं तो क्या सर आप बताइए सर कि क्या पार्टनरशिप बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकाउंटिंग से अलग होता होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो पढ़े थे हम लोग एकदम अलग होगा पार्टनरशिप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पार्टनर जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जनरल एंट्री बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस के जरिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी सेम काम किया जाता है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ही बनाया जाता है। पार्टनरशिप ट्रायल बैलेंस के जरिए हम लोग फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, वही नेट प्रॉफिट, वही नेट लॉस और वही बैलेंस शीट बनता था। बट सर डिफरेंस क्या हो गया फिर? डिफरेंस ये है सर कि कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बिजनेस में ही होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या था कि एक अकेला आदमी पूरा का पूरा बिजनेस कर रहा था, राइट? तो मतलब फ्यूचर में उसको नेट प्रॉफिट आए या फिर नेट लॉस आए, सारा का सारा उसका जितना भी अमाउंट था सारे के ऊपर उसका अकेले का हक था, राइट? ये था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल से क्या करते थे, जनरल बनाते थे, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना के हम लोग नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाल देते। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए। बट पार्टनरशिप के बिजनेस में वैसा नहीं होता। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी वही लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, बट होता है क्या ना, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में उसका अकेले का हक था, बट यहां पे वो अकेले का तो हक नहीं है, यहां पे
जितने भी पार्टनर्स हैं सबका हक है। मतलब अल्टीमेटली क्या होता होगा कि नेट प्रॉफिट पहले निकाला जाता होगा पीएल अकाउंट बना के, फिर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग बांटते होंगे, राइट। तो बांटते होंगे, तो बांटने का जो हिसाब होता होगा तो वो भी था किसी ना किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग फॉर्मेट में बनाया जाता होगा। तो प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाता है तो उसका तो अकाउंटिंग हम लोग क्लास 11 में पढ़े नहीं, क्योंकि वो सोल प्रोपर्टी से बिजनेस का सिर्फ सिर्फ अकाउंटिंग था। तो उसमें तो हम लोगों को यही नहीं सिखा गया कि प्रॉफिट को बंटवारा, प्रॉफिट का बांटा कैसे जाएगा। तो हम लोग वो चीज क्लास 12 में पढ़ने वाले कि पार्टनरशिप बिजनेस नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस नेट प्रॉफिट को किस तरीके से आपस में बांटता है, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसके अलावा कई ऐसे ऐसे चीजें होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बिजनेस में ही होती है और सोल प्रोपर्टीशिप में पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूं, मान लीजिए दो पार्टनर थे ए और बी, अभी सी नया पार्टनर बन के आया। ए और बी जब दो पार्टनर था, अब सी एक नया पार्टनर बन के आया, तो मेरे को बताइए सी जब नया पार्टनर बन के आएगा और हम लोग मान लीजिए आज 20 साल से काम कर रहे हैं और सी जब नया पार्टनर बन के आएगा तो सी जो है हम लोग उसको अपनी तरह ही ट्रीट करेंगे कि उसके उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लेने वाले हम लोग कैपिटल की तरह, या फिर कुछ और पैसा लेने वाले, ज्यादा पैसा लेंगे क्योंकि आज हम लोग 20 साल से बिजनेस को कहां से मतलब एकदम नीचे से लेके अर्थ से सॉरी फर्श से लेके अर्थ तक लेके गए हैं हम लोग, इतना 20 साल का मेहनत हम लोग किए हैं, तो उसके लिए तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा। तो वो चीज हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं कि जब हम लोगों का नया पार्टनर का एडमिशन होता होगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता होगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए तीन पार्टनर थे हम लोग, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जब वो रिटायर होता होगा तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कुछ पैसा चाहिए होगा, क्योंकि उसको पता है कि आज 20 साल से वो बिजनेस कर रहा है, तो 20 साल के बिजनेस के अंदर में वो अपना कैपिटल तो डाला ही है, इसके अलावा प्रॉफिट का भी कुछ कुछ हिस्सा जो वो रिजर्व में छोड़ के जा रहा है। तो छोड़ के जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है जब वो रिटायर होगा तो बोलेगा नहीं भाई अब जब रिटायर ही हो रहा है तो बिजनेस से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो जो रिजर्व होता है उस रिजर्व में मेरा जो हिस्सा मेरे को दे दो। तो हम लोग ये भी सीखना है हम लोगों को कि रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसा होता होगा, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता होगा। वैसे ही रिटायरमेंट की तरह एक और इंसिडेंट जो हो सकता है शायद डेथ, मान लीजिए तीनों में से किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके जो जो भी लीगल हेयर होंगे, जो भी लोग होंगे, जो भी उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, उसको हम लोगों को पैसा देना कर्तव्य बनता है। तो हम लोग कितना रुपया देंगे उसका भी तो कुछ अकाउंटिंग होता होगा, वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड पहला चीज सीखने वाले हम लोग कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा और कौन कौन सा अकाउंटिंग है जिससे हम लोग ये सीखने वाले कि नेट प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। दूसरा सीखने वाले एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता होगा इन पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड हो गया और कंपनी से रिलेटेड जो भी है, कंपनी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर वाइज पहले आपको दिखा देते हैं हम कि चैप्टर वाइज जो है वो आप लोगों का किस तरीके का सिलेबस बनाया गया है। देखिए पूरे के पूरे 80 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्टनरशिप अलग और कंपनी अलग। पार्टनरशिप जो है वो अकेला अकेला 35 मार्क्स का है, सिर्फ पार्टनरशिप 35 मार्क्स का है। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ कितना बोले हम 35 मार्क्स का है। और यदि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी रिमेनिंग जितना मार्क्स बचा आप सोच लो 45, तो 45 मार्क्स का क्या है सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंटिंग। अब हम उसके अंदर में जाते हैं तो देखिए पार्टनरशिप के अंदर में भी दो पार्ट है, एक पार्ट जहां पे हम लोग ये सीखने वाले कि नेट प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, उसका उस चैप्टर का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो अकेला 10 नंबर का है और जितने भी अदर चैप्टर्स बचे जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों का तीनों जो मिला के है वो 25 मार्क्स का है। तो पार्टनरशिप अकेला 35 मार्क्स का है, जिसमें एक पार्ट जो पार्ट ए होगा वो होगा 10 नंबर का, जिसमें हम लोग ये सीखने वाले कि हाउ टू एलोकेट और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमॉन्ग द पार्टनर्स। और सेकेंड पार्ट जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे कैसे अकाउंटिंग ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो हम सीखने वाले 25 मार्क्स के लिए। ये हुआ पार्टनरशिप का। यदि कंपनी के बारे में बात करें तो एक अकेला चैप्टर जो है जब शेयर कंपनी इश्यू किया जाता है, जब क्लास 11 में मैं बताया था शेयर क्या होता है, तो जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसको अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो अकेला 20 नंबर का है। डिवेंचर जो है वो 5 नंबर का है। डिवेंचर आप पढ़े थे, डिवेंचर जैसे इश्यू किया जाता है तो उसको कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट किया जाता है, वो डिवेंचर जो है 5 नंबर का है। शेयर्स 20 नंबर का है, तो 25 नंबर का आपका हो गया। और इसके अलावा 20 नंबर का अलग है, वो 20 नंबर में दो तीन चैप्टर है, बेसिकली तीन चैप्टर है। एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप जब पढ़ोगे तो मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और एक है आपका
रेशियो एनालिसिस, और उसके अलावा है आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो कॉमन साइज और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे इजी चैप्टर में आता है।